जैन दोस्तों, स्वागत है आपका डिश रिजल्ट फैक्ट में। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपको जो टेलीग्राम में कल बुक्स मिले, ठीक है, जो भी बुक्स का पीडीएफ मिले वो कैसा है आप उसको कमेंट में बताइएगा। साथ ही अगर कोई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि झारखंड पुलिस कॉन्स्टेबल का दौड़ जो है कि उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले अभी जेएसएससी क्या कर रही है, 10 किलोमीटर कैंसिल हो गया है क्या, प्रस्ताव पर क्या विचार होना है, ये वो प्रस्ताव है जो कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा बढ़ाया गया है, ठीक है। तो वीडियो का आप जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक नहीं समझ पाइएगा दोस्तों कि ये प्रस्ताव आखिर किस तरह से बढ़ता है और अभी कितना समय इसमें लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद दौड़ होने का संभावित समय क्या है, जो दौड़ करानी है अभी जो पुलिस कांस्टेबल का, और उसमें जो है कि संभावित समय क्या होने वाली है, उन सभी चीजों पर लास्ट में जो है कि एडमिट कार्ड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो है जेएसएससी अभी क्या कर रही है, ठीक है। तो जेएसएससी का जो भी कार्य है दोस्तों, जो कि 16 लाख या 18 लाख, ठीक है, डाटा विभिन्न विभिन्न है, अभी तक कंफर्म डाटा नहीं पता चल रहा है, जो है कि इसमें जो है कि चयन पर्षद के अनुसार कितने जगहों पे बांट सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसकी एक डाटा तैयार करी जा रही है, संभवतः ये डाटा तैयार हो भी चुकी है, ठीक है, ये डाटा तैयार हो भी चुकी है, लेकिन यहाँ पे अड़चने बहुत सारी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट जो है कि जेएसएससी पहले ही जारी कर चुकी है। तो अब जो है कि डाटा इसका तैयार हो रहा है, उसके बाद जो 10 किलोमीटर का दौड़ कैंसिल हो गया है क्या, तो दोस्तों अभी तक जो है कि 10 किलोमीटर का दौड़ कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ है ये 10 किलोमीटर, अभी भी 10 किलोमीटर का दौड़ लागू है। हालांकि इसमें प्रस्ताव जो है कि बढ़ाया गया है, ठीक है, प्रस्ताव किस प्रकार बढ़ता है ये हम आपको बता देते थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ये प्रस्ताव बढ़ता है कि जहां से जिस विभाग से ये होता है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो पुलिस विभाग है, ठीक है, ये झारखंड पुलिस जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा देखती है, ये जो है आपको गृह विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये जो है कि गृह विभाग, अब गृह विभाग में भी गृह कारा प्रबंधन, ठीक है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन होम डिवीजन के अंतर्गत ये विभाग आती है। तो अभी जो है कि प्रस्ताव जो है कि पुलिस मुख्यालय से बढ़ा है, ठीक है, तो पुलिस मुख्यालय से जितने भी पदाधिकारी हैं, ठीक है, सब कोई जो है कि इसमें अपना अपना टिप्पणी रखेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें लिखा गया है कि जो है कि 10 किलोमीटर के दौड़ के स्थान पर 5 किलोमीटर 30 मिनट में और 1.6 किलोमीटर जो है आपका जो निर्धारित है, इसी तरह महिलाओं को भी रखा गया है। तो इसमें जो है कि सभी पदाधिकारी अपना अपना टिप्पणी करें, लास्ट में जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके पास जाएगा, जब यहां से जो है कि ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट से, उसके बाद जो है कि ये प्रक्रिया होने के लिए जाएगी गृह विभाग, फिर गृह विभाग में जितने भी संबंधित शाखा है वहां से हर जगह से टिप्पणी होगी। टिप्पणी होने के बाद जो है कि जो भी कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन को जो है कि आपको छापा जाएगा गजट में, उसको गजट में छापा जाएगा, तब जो है कि आपका जो है कि ये जो प्रस्ताव खत्म होने वाला है। तो ये जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये लगभग 1 मंथ का है। अगर सरकार जल्दी कराती है, ठीक है, अगर सरकार चाह रही है कि अगर नहीं हम झारखंड पुलिस का जो है कि दौड़ उसको करवा ले, फिर भी जो है एटलीस्ट इसमें 15 दिन जो आपको लगना ही लगना है, ये प्रस्ताव में जो है कि आपको 15 दिन लगना ही लगना वाला है। उसके बाद जो है कि दौड़ होने की संभावित समय क्या है, आपको जो है कि आज तारीख हो गया है दोस्तों 26 तारीख, 26 सितंबर हो गया, उसके बाद जो है कि अभी इसमें 15 दिन, उसके बाद जो है कि फिर लिस्ट निकलेगा, फिर 15 दिन, ठीक है, तो 1 महीना आपको ऐसा ही हो गया, ठीक है, फिर तैयारी का एडमिट कार्ड जारी करने में 10 दिन, ठीक है। तो ये जो है कि फाइनली आपको जो है कि अक्टूबर तक जो है कि आपको कुछ इसमें न्यूज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अक्टूबर तक जो है कि आपको इसमें कोई न्यूज देखने को नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड, ठीक है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि जो है कि 15 अक्टूबर जो है कि मिड अक्टूबर में जो है कि आपका दौड़ हो सकता है, लेकिन जो है कि अभी जो प्रक्रियाएं चल रही है उसको देखते हुए, उसको समझते हुए, ठीक है, अभी नहीं लग रहा है दोस्तों कि ये जो कि प्रक्रिया अभी अक्टूबर में हो। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें, और इसी बीच जो है कि एक बहुत बड़ी चुनौती आती है सरकार के पास, क्योंकि अभी जो है कि चुनाव का समय है, आचार संहिता लागू होगी, हालांकि अभी दिसंबर में चुनाव कराने के लिए जो है कि प्रस्तावित है, लेकिन इसमें जो है कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार को जो है कि निर्णय लेनी है कि कब जो है कि झारखंड में चुनाव किया जाना है। अगर दिसंबर में आपका यदि चुनाव होता है तो 100% जो है कि नवंबर में आपका दौड़ हो जाएगा, ठीक है, नवंबर मंथ में जो है कि आपका दौड़ कंफर्म हो जाएगा अगर यदि
चुनाव जो है कि आपका दिसंबर में होती है, तो इसके साथ ही जो है कि बहुत सारे सिमिलर एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो है कि मैट्रिक स्तरीय जो है कि 29 तारीख को जो है कि किया गया है, ठीक है। तो आप जो है कि तैयारी करते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप में जो भी बुक्स आपको चाहिए वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स पे भी जो है कि आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ ही आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा तो वहां भी टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। साथ ही चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।